जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से की चर्चा। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पर, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में व्याप्त जन समस्याओं के निस्तारण और आगामी बजट घोषणाओं के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने से पूर्व एक आवश्यक बैठक जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में कस्बे के उपखंड कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें पुष्कर के विभिन्न सरकारी महकमों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से पुष्कर की जन समस्याओं और विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि आगामी बजट घोषणाओं हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए PWD टूरिज्म सहित विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वहीं दूसरी ओर पुष्कर में चल रहे भूमिगत केबल लाइन के काम को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कस्बे के सौंदर्यीकरण हेतु हेरिटेज पोल लगाने की बात भी कही। वहीं नगर निगम के पालिका अधिकारियों को सरोवर के फीडर में जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम और आवारा पशुओं को गौशाला के माध्यम से व्यवस्थित करवाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद जिला कलेक्टर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित एंट्री प्लाजा गेट का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने पैदल ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से नए रंगजी के मंदिर तक कस्बे का जायजा लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ और तहसीलदार अरविंद कविया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। विभिन्न बजट घोषणाएं डिपार्टमेंट्स की और जो आगामी क्या काम लिए जा सकते हैं उसके बारे में आज विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। अभी फील्ड विजिट भी करेंगे। जैसे बजट घोषणा मुख्यतः यहाँ पर जो डिस्कॉम के लाइन्स हैं उसको अंडरग्राउंड करने का काम चल रहा है, उसको डायरेक्शन दिए कि मार्च तक इस कार्य को पूरा करें, और साथ ही नगर पालिका को डायरेक्शन दिए जितना भी काम हो रहा है उसके रोड रजिस्ट्रेशन भी साथ में लें। और चूँकि लाइन्स अंडरग्राउंड होंगी तो उसके बाद पोल्स हटा के हेरिटेज पोल का प्रपोजल दें ताकि एक सुंदरता आ सके पुष्कर नगर पालिका और आसपास के सरोवर के आसपास के क्षेत्र। इसके साथ साथ ही PWD और टूरिज्म डिपार्टमेंट के क्या प्रपोजल हो सकते हैं उसके लिए भी अभी हम देखने जा रहे हैं। और कुछ जैसे मुझे बताया गौशालाओं में कुछ काम कराए तो ताकि जो आवारा पशु हैं यहाँ पे शहर के उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें गौशाला में कुछ काम। जैसे फीडर में जो निर्माण और गंदे पानी जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी जो नगर पालिका और जो दूसरे अधिकारी हैं बिल्कुल ही इलीगल अगर कोई गंदा पानी डिस्चार्ज करता है तो उसको सख्त कार्रवाई करनी है। तो मछलियाँ मर रही है काफ़ी संख्या में, उस सरोवर में गंदगी फैल रही है, ये जिसके भी यहाँ से डिस्चार्ज है इनसे रिपोर्ट दी जाएगी कि जो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं उस पर एक्शन जरूर है। साथ यहाँ के चिकित्सालय सारी व्यवस्थाएं बड़ी सरकारी कार्यालय में बिल्कुल देखेंगे सारी व्यवस्था अभी टूर कर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer, or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer.